मेरा रब पूरब से सूरज निकाल मेरा रब पूरब से निकालता है पश्चिम में डुबोता है अगर तूफ होता है तो पश्चिम से निकाल पबोहतल नदी कफन टूट गई कमर कभी देखे इधर कभी देखे उधर बोले ये सूरज के ऊपर तो कंट्रोल नहीं है ले दे करके पटा नहीं सकता अंडर टेबल नथिंग आधी सल्तनत लेने सूरज मेरे कहने पर एक दिन पश्चिम से निकला वो जानता था मैं सबसे बड़ा बादशाह हूं लेकिन ये मेरा हुक्म नहीं मानेगा नमरूद ना निकल लेकिन एक दलील उलूहिया कि जो पश्चिम से सूरज निकाल दे वो खुदा है ये तो तारीख के सफात पर महफूज कि नमरूद तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल नमरूद तो न निकाल सका मगर ये दलीले उलूहियत कायम रही नमरूद न निकाल सका मगर इसी डूबे हुए सूरज को मकामे साहिबा में अली मुर्तजा के लिए रसूल ने पश्चिम से निकाला हुआ ये था कि मौला अली बेहतर वक्त के इंतजार में बैठे थे कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हुजूर नमाज पढ़कर आए इन्हें पढ़ना बाकी था इतने में रसूल पाक आ गए अली के जानू पर रसूल पाक ने अपना सर रख दिया कमाल है जो हमारे सरों पर भी रहे तो हम बादशाह हो जाएं वही सर अली के जानू पर है तो जब जानू की मेराज ऐसी है अली के सर की मेराज कैसी होगी अली मुर्तजा करमल्ला वजहुल करीम अदब से बैठे रहे हिले नहीं रसूल पाक ने क्या किया सर रखा आंखें बंद कर ली अब रावी क्या कहे कि जानू अली पे सर रखकर रसूल सो रहे थे असर का वक्त खत्म हो गया नमाज ना पढ़ने का डर दिल में उठा दर्द दिल आंसुओं में तब्दील हो गया इससे पहले कि अली आंखों के पट को भेरते बेताब आंसू आंखों से गिरे रुखसारे मुस्तफा पर रसूल ने आंखें खोली अली क्या मामला है रसूलल्लाह मैं नमाज नहीं पढ़ सका उठे और अल्लाह से कहा करके नमाज नहीं कहा अली से नमाज छूट गई नहीं कहा कहा तो ये कहा ए अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अतात में था ऐसा पीर किसके पास होगा जो ना नमाज पढ़े मगर अतात में है इशारा किया डूबा हुआ सूरज पलट आया ये जो रावी ने कहा है कि नबी सो रहे थे ये मुझे हजम नहीं हो रहा वो कोई सोने का टाइम था असर के वक्त न लैलूला है न कैलूला है और एक ऐसा टाइम है कि खुद सलातुल वुस्ता है जबरदस्त उसमें ताकीद है असर की नमाज की और सरकार सो जाएंगे हमें आंख बंद होने का मतलब ये थोड़ी है कि बंदा सो रहा है रावी ने बंद आंखें देखी ये तो सही रवायत है लेकिन सो रहे थे ये रावी ने देखा कैसे
किसी की स्लीपिंग को देखा नहीं जा सकता, नींद को बाहरी आदमी देख नहीं सकता। अरे वो सो रहे थे या अली का दिल तोड़ रहे थे? कहीं अली की आजमाइश तो नहीं थी? लाओ मैं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लूं, लाओ थोड़ी देर के लिए मैं आंखें बंद कर लूं, देखें अली करते क्या। मुझे छोड़ करके नमाज तो नहीं पढ़ता, मुझे छोड़ के मस्जिद तो नहीं जाएगा, मुझे छोड़ करके फर्ज तो नहीं पड़ेगा, मुझे छोड़ करके सुन्नत तो नहीं पड़ेगा। अली उठे ही नहीं, वो साबित कर दिया या रसूल अल्लाह वो जमात और है जो आपको छोड़ के नमाज पढ़ती है। वो और लोग हैं जो नमाज छोड़ जो नमाज पढ़ते नबी को छोड़कर नमाज पढ़ते, नबी को छोड़ करके फर्ज सुन्नत और नफिल पढ़ते हैं। मैं अली हूं अली, न जिंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा न बंदगी में तुम्हें छोड़ूंगा। आप रसूल पाक की नाजुकी को बुलाता था, गैरते मुस्तफा कितनी नाजुक। अगर अली ने कजा पढ़ा तो मेरी मोहब्बत रुसवा हो जाए। डूबा हुआ सूरज पलटा, अब मैंने सूरज से कहा हमारे देश में तेरी बड़ी महानता है। न जाने कितनी औलादों का पिता है, हिंदुस्तान की जमीन बहुत अच्छी, सूरज से बच्चे, हवा में उड़ते बच्चे, मछली के पेट से बच्चे, जबरदस्त मुल्क है, बहुत महान है। अब ये बता कब डूबेगा, अब कब डूबेगा? बोले पहले पूछा होता तो मैं वो टाइम टेबल बता देता जिस टाइम टेबल से सारे साहबा ताबईन तबे ताबईन वाकिफ थे। मुझे देख करके सिद्दीक अकबर हों कि फारूक आजम हों कि हजरत ज़ुन्नूरैन हों कि मौला अली मुश्किल कुशा हों, हसनैन करीमैन हों या शोए मुबशरा हों या मुहाजिरीन व अंसार हों या आज की तारीख में गुजरात के लोग हों, सब सूरज को देख के टाइम टेबल बनाते थे। क्यों मुफ्ती इस्माइल ये रमजान का टाइम टेबल बनाते हो ना? सुबह शादी इतने बजे है, फजर इतने बजे है, जोहर इतने बजे है, मगरिब, और मौसम बदलता है टाइम टेबल बदल जाता है। तो मौला अली भी जब मदीने में थे तब कूफा मुकद्दसा पहुंचे तब हमेशा सूरज को देख के टाइम टेबल बनाते थे। सरकार ने फार्मूला बताया था जब सूरज यहां हो तो ये नमाज है, यहां हो तो ये नमाज, मिसलैन पे पहुंचे तो असर पढ़ो, जोहर ऐसे पढ़ो, डूब जाए तो मगरिब पढ़ो, और जब फिजा में आए शफक अहमर खत्म हो जाए यानी यूं समझो डेढ़ दो घंटे के बाद ऐसा पड़ा। मैं कब डूबूंगा बेवकूफ, पहले क्यों नहीं पूछा? मैं बता देता कब डूबूंगा, अब तो अली से पूछो इनकी नमाज कब पूरी होगी। सूर्य मौला अली को नमस्कार करते, ये सूर्य नमस्कार हम पहले से जानते हैं कि ये हमारे पीराने पीर को नमस्कार करता है, हमें क्या जरूरत है?
ये तो हमारे बड़ों को नमस्कार कर चुका है। अरे जब बगदाद में गौसे आजम थे उन्हें भी नमस्कार करके निकलता था, और जब डूबता था तो समाचार दे के डूबता था। हमारा समाचार फेसबुक यूनिवर्सिटी से नहीं, करामत और रूहानियत के खजाने से निकलती है। अब अली से पूछो कब नमाज पूरी होगी, मैं तो इन्हीं के लिए आया हूं। 5 मिनट अगर अली नमाज पढ़ेंगे मैं 5 मिनट नहीं डूब सकता, 10 मिनट पढ़ेंगे मैं 10 मिनट नहीं डूब सकता, बड़े इत्मीनान से आधा घंटा पढ़ेंगे तो मैं आधा घंटा नहीं डूब सकता। जब तक नमाज पूरी नहीं होती अली की मैं डूब नहीं सकता। क्या मतलब? तवज्जो, जब तक अली ने कुर्बान नहीं किया। अली सूरज को देखा करते थे, और जब मुस्तफा पे कुर्बान हो गए सूरज अली को देखने लगा।